कृष्णा के खिलाफ ये सबूत देखने के बाद मैं ये केस नहीं लड़ना चाहती माय लॉर्ड, मैं सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देना चाहती हूँ, झूठ का नहीं। मैं अपने आप को कृष्णा खुराना का केस लड़ने से विड्रॉ करती हूँ। मैं एक मर्डरर को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। वैजू, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अन्ना को नहीं मारा है। बस प्रिशा, बहुत गलत किया है तुमने। रुद्र सही कहते, तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो प्रिशा। ऑर्डर ऑर्डर। जो सबूत अपोजिशन ने कोर्ट के सामने रखा है उससे ये साबित होता है कि प्रिशा खुराना ने ही ये खून किया है। सोची समझी साजिश के साथ इन्होंने अपने ही भाई वेंकटेश श्रीनिवासन का खून किया है। इस पुख्ता सबूत के आधार पर यह भी साबित होता है कि जो गन अभी अदालत के सामने पेश की गई है उससे ही वेंकटेश श्रीनिवासन का खून हुआ है। और क्योंकि इस गन पर मिसेस प्रिशा खुराना की फिंगरप्रिंट्स मिले हैं इसलिए यह अदालत उन्हें कातिल करार देती है। लिहाजा यह अदालत प्रिशा खुराना को जो सजा देती है वो है एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मिस्टर श्रीनिवासन सर, प्लीज कहिए, क्या बात है? योर ऑनर, मैं कोर्ट को कुछ दिखाना चाहता हूं। चितप्पा, ऐसी क्या बात है जो आप कोर्ट को दिखाना चाहते हैं? मैं कोर्ट को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इसे देखने के बाद इस केस की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि मेरे बेटे वेंकटेश श्रीनिवासन का असली खूनी कौन है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो बड़ी स्क्रीन पर चलाया जाए ताकि कोर्ट में बैठे हर व्यक्ति को इस केस की सच्चाई के बारे में पता चले। परमिशन ग्रांटेड। लगता उन गोलियों ने कुछ अच्छे से असर कर दिया है। ये वो गन है जिससे प्रिशा ने वेंकटेश श्रीनिवासन को मारा था। इस पर प्रिशा के उंगलियों के निशान भी हैं। उसकी रिपोर्ट तैयार करवा लो। तुम्हारा शुभचिंतक। अबे ये क्या कहानी में ट्विस्ट, ये तो नहले पे दहला हो गया, बाजी पलट गई बे बिल्ले। क्या ही वैजू, तुमने धोखे से मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए उस गन पे और फिर वो गन रुद्र के लॉयर को दे दी। तुम ये केस लड़ रही थी मुझे जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए, ताकि मैं जिंदगी भर के लिए जेल चली जाऊं। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बोलो वैजू, क्यों किया? प्रिशा, एडवोकेट वैजंती,
आपको कोर्ट को जवाब देना होगा। ये किस तरह की लॉयर हैं आप? अपनी ही क्लाइंट को मुजरिम साबित करवाना चाहती हैं, और वो भी इस तरह की साजिश रच के। और मिस्टर खत्री, आप क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? आपने एविडेंस को थोरली चेक नहीं किया? योर ऑनर, चेक करने की कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि मुझे जो गन मिली वो वेंकटेश की बॉडी से मिली बुलेट से मैच करती है, और उस गन पर प्रिशा के फिंगरप्रिंट्स भी थे। मुझे लगा कि कोई जानता है कि असली कातिल कौन है और वो चाहता है कि उसे सजा मिले। मुझे लगा कि वो मेरी मदद कर रहा है ताकि इंसाफ हो। मैं और क्या कर सकता था योना, इसीलिए मैंने वो गन प्रिशा के खिलाफ कोर्ट में पेश की। योनर, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के कत्ल के जुर्म में प्रिशा ने वेजू को ट्रायल पर लिया जाए और इस पर केस चले। चितप्पा, आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग गलत सोच रहे हैं। मैं तो प्रिशा की मदद कर रही थी। बस मैंने और कितना झूठ बोलोगी? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। तुम्हें क्या लगा हमें सच पता नहीं चलेगा? प्रिशा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात मानो तुम। झूठ झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा सच जानती हूँ। तुम ये केस मुझे हराने के लिए लड़ रही थी ताकि मैं पूरी जिंदगी के लिए जेल चली जाऊं, इसीलिए मुझे बेगुनाह साबित करने का नाटक कर रही थी। प्रिशा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? ये गलत सोच रहे हो, ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है विजयंती आंटी। ओह, तो ये है सेकंड हीरा। इसका मतलब इस जूनियर रुद्र ने उस दिन मेरी वजंती की बात सुन ली थी। कई भैंस पानी में, अब कोई नहीं बचा सकता इसको। केस गया और साथ में ये भी।